अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज गार्डन। देखिए, आज बात करते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट बोलिवियन डियो के बारे में। देखिए, ये एक पॉट है हमारा हैंगिंग वाला, जैसे पॉट आपको उस साइड नज़र आ रहे होंगे, देखिए उस साइड, तो बस उसी तरह का ये पॉट है। इसमें मैंने इसको ग्रो किया है बोलिवियन जियो को, और अब आप देख लीजिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है कि पॉट नहीं नज़र आ रहा है, और ये देखिए यहाँ तक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आज बात करते हैं इसके नेचर की, इसके रखरखाव की। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अगर कहीं ऐसी जगह इसको रख रहे हैं जैसे कोई लिंटर टाइप का है, कहीं कुछ रखना चाहते हैं किसी पटरे वगैरह पे, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं, और अदरवाइज़ इसको हैंग कीजिए। ये हैंगिंग में बहुत ही खूबसूरत लगती है, देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका जो है लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है मटका, देख लीजिए एकदम गोल हो रहा है, कहीं से नज़र ही नहीं आ रहा कि इस तरह से इसमें पॉट भी है, देख लीजिए है कितना बुशी हो रहा है। और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, देखिए अब सितंबर शुरू हो गया, तो अब थोड़ा सा ये डल होने लगा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हमारा जो है सीजनल प्लांट है। सीजनल कहें तो सीजनल से मुराद ये है कि ये अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, मैं दिखाने को उनकी कोशिश हर तरफ से करती हूँ, तो अभी तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे जैसे ये थोड़ा टाइम जाएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, तो धीरे धीरे इनकी पत्तियाँ सब सूख के और झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करके ख़त्म करके एक साइड को रख देते हैं, पानी वगैरह देते रहते हैं, क्योंकि सारे प्लांट जब डोरमेंसी में जाते हैं तो नेचुरली ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। तो जब ये डोरमेंसी में होता है, मरता नहीं है प्लांट, लेकिन इसका लुक सिर्फ जैसे हमारा पोर्चुला का है तो समर्स में ही अच्छा खिलता है, तो उसी तरह से हमारा ये बोलिवियन जियो भी है, जैसे टर्टल वाइन है, हमारी बहुत लोग इसको टर्टल वाइन भी बोल देते हैं रेड वाली, तो उसी तरह का नेचर इसका भी है कि बस ये मरेगा नहीं और ये चलता रहेगा। इसकी रौनक ख़त्म हो जाएगी, इसकी चमक ख़त्म हो जाएगी, और इनकी पत्तियों की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, बस ये प्लांट बना रहेगा। एक टाइम आएगा इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, आप अगर यूं उठाएंगे, और देखिए ये बिल्कुल इस तरह से आप उठाएंगे, उसको कहीं भी हटा दीजिए, इसको कोई मेहनत आपको नहीं करनी, यूं उठाना हटाना इतनी आसानी से कि बिल्कुल ये मिट्टी को छोड़ देती हैं, और इनमें एरियल रूट्स निकलती हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ इनकी रूट्स को, ये देखिए आपस में इन्होंने जाल बनाया हुआ है बिल्कुल, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से तो दिखाऊँगी आपको इनकी रूट्स को, एरियल रूट्स, ये देखिए आपको दिख गई होंगे, ये इनकी एरियल रूट्स हैं। तो हर नोड पे इनकी एरियल रूट्स होती हैं, आप इनको उठा के बिल्कुल टटर वाइन वाला इनका मिजाज है, नेचर है, तो आप इसको उठा के इस तरह से कहीं कट करके उठा के ऐसे रख देंगे किसी मिट्टी में, मिट्टी मिल जाए ज़रा सी मिट्टी, और ये ईज़िली ग्रो हो जाएगा। और रही बात, अब बात करते हैं इसके मतलब इसको धूप कितनी मिलनी चाहिए। तो देखिए, हमारा तो ये अभी तक धूप इधर नहीं घूमी है, बजे रहे हैं 12, ठीक है, दिन दोपहर के 12 बजे हैं, इसके बाद से 12 बजे से शाम तक की पूरी धूप इधर रहती है। वैसे इसको फुल डे सन में ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, मरेगा नहीं फुल डे सन में, लेकिन इनकी पत्तियाँ कुछ डल सी हो जाएंगी, और इनकी पत्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं अंदर से, देखिए ये कलर होता है इनका, रेड होता है, ये देखिए मैं पलट पलट के आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अंदर से ये रेड सी होती हैं और बाहर जो है ये ग्रीन होती हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है, आप इसको लगाइए, बस ये है कि बहुत तेज़ धूप से अगर बचा लें तो ज़्यादा अच्छा है, इसको थोड़ा सा शेडी प्लेस इसको प्रोवाइड करें, और नहीं हो सकता कोई बात नहीं, आप इसको धूप में भी रख दें, चलता तो बहरहाल फिर भी रहेगा। और उसके बाद अगर इसके खाद की बात करें, तो खाद जब आप इसको जो है ग्रो करें तभी आप इसमें खाद दे दीजिए, जब इसको आप लगाइए, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें खाद बाद देने की कहीं जगह ही नहीं बची है, ये देख लीजिए इतना ये बुशी हो रहा है। तो खाद देना बहुत आसान नहीं है,
आप क्या करते रहें, इसको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो जैसे आप दाल चावल का पानी, दाल धोते हैं, चावल धोते हैं, मतलब जो भी हैं लेडीज़, अगर जेंट्स देख रहे हैं हमारी वीडियो तो उनके घर में लेडीज़ ये काम करती हैं, तो वो दाल चावल का पानी इसमें दे सकते हैं, सब्जियों का पानी दे सकते हैं, और इसमें क्या दिया जा सकता है, आपके पास काउडंक है तो आप उसको जो है रात में भिगो दीजिए, कंडे भिगो दीजिए, काउडंक नहीं है तो कंडे आप भिगो दीजिए पानी में, और जस्ट डबल करके नेक्स्ट डे थर्ड डे सेकेंड डे जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो तो आप इसको जो है इसका उसका पानी दे दीजिए। और अनार वगैरह के छिलके हैं जैसे आपके आते हैं, सेब के छिलके हैं इस तरह के, उनको भी पानी में डिप करके एक दो दिन रखे रहने के बाद दे दीजिए। तो ये बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं है, ये अपने चलता रहता है कमोबेश हर कंडीशन में ये, तो बहरहाल इसको ज़्यादा नहीं, बस ये बचाना इसको है बहुत तेज़ धूप से, बहुत ज़्यादा पानी की भी इसको नीड नहीं, पानी इसको चाहिए डेली, पानी इसको चाहिए क्योंकि ये फिर मुरझाने सी लगती हैं इनकी पत्तियाँ। तो अब एक आध दिन अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी कोई ऐसी बात नहीं कि मर जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको ज़मीन दे दी है या अगल बगल इसके जो है कोई पॉट रखे हैं तो उन पॉट्स को भी ये ले लेगा, उनको भी घेर लेगा, इतनी तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत ही तेज़ फैलने वाला, जैसे टर्टल वाइन है हमारा उसी तरह से ये भी फैलता है, क्योंकि इनमें चूँकि एरियल रूट्स होती हैं, जैसा कि बताया हर नोड पे एरियल रूट होती हैं, तो बस ये एरियल रूट अपनी जगह बना लेती हैं और ये सर्वाइव करता रहता है। तो बस ये अभी तो ये खूब अच्छे से चल रहा है, देखिए महीने दो महीने बाद डल होने लगेगा, इनकी सब पत्तियाँ गायब हो जाएंगी, खाली टहनियाँ आपको दिखेंगी, तो भी जब वो टहनियाँ खाली दिखेंगी तो पॉट बुरा लगेगा, ख़राब लगेगा, फिर वो हम लोग हटा देते हैं। फिर है पेटूनिया हैं और भी बहुत सारे जो है प्लांट हैं हमारे हैंगिंग वाले, तो हम उसको जो है इसमें ग्रो कर देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। तो आप भी इसको ग्रो कर लीजिए, और नर्सरीज़ में ये इजीली मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, 20 रुपए का शायद देते हैं, 20 से 30 रुपए का। और अगर आपको कटिंग्स मिल जाती हैं कहीं तो इनकी छोटी छोटी कटिंग आप इस तरह से ले लीजिए, छोटी छोटी कटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कटिंग इस तरह से लगाने की ज़रूरत ही नहीं, बस उठा के मैं तो यूँ ही बस उठा के मिट्टी में रख देती हूँ, और एक 15 दिन के अंदर इनकी ग्रोथ देखने वाली हो जाती है। तो आप इस तरह से इसको ग्रो करें, और ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम की ज़रूरत नहीं कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसकी इसको केयर की ज़रूरत है। बहुत ही इजी टू केयर, इजी टू मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको लगाइए और कहीं भी लगाइए, कैसा भी पॉट लगाइए, कोई 6 इंची 5 इंची 4 इंची, इवन मैं तो कहती हूँ जो साबुन वगैरह के वो सोप केस आते हैं, जो डिश वॉश बार होते हैं उनके जो डिब्बे छोटे छोटे आते हैं उनमें ये ग्रो होती है, जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं उनमें ग्रो होती है, क्योंकि मैं सब करती रहती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो उसमें भी ये ग्रो हो जाती है। तो इसको बहुत बड़ा पॉट देने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी बस वही है, एक हिस्सा जो है आप मिट्टी रखिए, एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा इसमें खाद दे दीजिए, थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर डाल दें जब इसको ग्रो करें, और अदरवाइज़ इसको फिर बाद में कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ना कोई कीड़ा लगता है, ना कभी मैंने इसमें कोई स्पाइडर माइट्स देखे हैं, ना कोई मिली बग्स देखा है। तो बस एक बार इसको लगाइए और लगा के भूल जाइए, इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है, और आपकी गार्डन की खूबसूरती तो बस देखते ही बनती है। मैंने इसके पड़ोस वाला पॉट उतार के रख दिया था ये वाला, कि मैं इस पे ही पूरा कंसंट्रेट कर सकूं। मैं इसको भी टांग के अभी दिखाती हूं आपको, ये देख लीजिए इस तरह से ये हमारा पूरा दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ज़रूर ग्रो कीजिए अपने गार्डन में, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी आप इसको लगाएंगे तो नवंबर तक आपको इसकी खूबसूरती देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हमारा प्लांट पुराना हो गया है, शुरू में अप्रैल में ही मैंने इसको लगाया था, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तो हो ही गए, तो 6 महीने से ये हमारे गार्डन में अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। तो अभी आप ज़रूर कहीं से लाइए, कहीं अगर आपको मुफ्त में मिला जा रहा है तो फिर क्या ही कहना है, क्योंकि हम गार्डनर तो प्लांट ढूंढ ही करते हैं, और हमें पता भी होता है कि इसको किस तरह से लगाना है, कहाँ लगाना है और कैसी लोकेशन देना है, सब पता होता है। जो बिगिनर हैं उनके लिए तो कुछ बातें ज़रूरी होती हैं, बस ये वीडियो हमारी बिगिनर्स के लिए ही है,
और चलिएगा, इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, और ऐड भी स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। आपका मन ना लगे तो आप वीडियो चला के रख दीजिए, लेकिन वीडियो को बीच से बंद ना कीजिएगा, किसी की वीडियो को भी आप इस तरह से ना किया कीजिए, इससे होता क्या है वीडियो की रीच ख़राब होती है। तो या तो मन ना करें तो शुरू ही से आप वीडियो को स्टार्ट ही ना करें, और लेकिन अगर कर लेते हैं स्टार्ट तो इस तरह से बीच में बंद ना करें। तो चलिएगा, इस दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।